खड़े होके जा रहे हैं इस वक्त। फिलहाल भाई क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे चपेटर बच्चे अंदर रहमान, क्या नाम है आपका? समीर। आप समीर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं पिकनिक पे। व्यूअर जी देख सकते हैं माशाल्लाह से हम अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पहुंच चुके हैं। ओंकी भी है यहाँ पे छोटे। कैसे हो? हेलो, माशाल्लाह से काफी सारी चीजें रखी हैं यहाँ पे, मोर भी रखा हुआ है। वो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें आप, सीटिंग एरिया भी काफी बड़ा दिया हुआ है। भाई कहाँ चले गए हमारे, ये हमारे फैंस है सारे। भाई कोई फड्डा वड्डा हुआ संभाल लेना। लाइक वाइक नहीं कर रहे, क्या चक्कर है ये? आओ थोड़ा इंटरव्यू लो। यशाल सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम, आप यहाँ होते हैं? क्या नाम है आपका? इकरार खान। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? फार्म हाउस का नाम क्या है? सोहेल शमसी फार्म हाउस, ठीक हो गया। और ये तीन फार्म हाउस बने हुए, दो बने हुए एक उसमें? चार बने हुए। और ये फार्म हाउस को कितना टाइम हो गया बने हुए? 20 साल आपको हो गई है, मतलब ये 20 साल पहले ही बना हुआ है? नहीं, इतना पहले नहीं। सही, आपको इस काम फील्ड में 20 साल हो गए, ठीक हो गया। और देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये हमारे लाइट स्कूल के सर हैं, ये सर इरफान मुनीर। सर बहुत ज़्यादा पानी नहीं हो गया सर? ये 5 फीट का पानी है पूरा। मैं सर ने हमें स्पॉन्सर करा, टिकट भी नहीं लिया। बगैर टिकट के आए हम, सर ने बोला व्लॉगर हैं तो आपके लिए टिकट फ्री।
चल दे बोले टिकट लोगे रक्षे में जाओगे भाई मसला टिकट का रक्षे का टिकट है आपको रक्षे का टिकट है सर करीम करवा दिए गरीबी देख रहे कैसी हो रही है। हाँ समीर क्या रिपोर्ट है अंदर कमरे में सामान रखे जाके ये सामान कौन सा रखे जाके गेरा बहुत है सर पानी चेंज करवाया था सकते हैं ऊपर सोलर प्लेटें भी लगी हुई है ये रिवर्स सोयल शमसी फार्म हाउस है ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर जी भाई हैं हमारे अस्सलाम वालेकुम नाम जानना चाहेंगे आपका उस्मान दाई ये थोड़ा ये बताएं हमारे व्यूअर्स को ये कौन कौन से जानवर रखे हैं यहाँ पे और क्या क्या अपडेट दें थोड़ी आप हमारे व्यूअर्स को ये मारखोर है ये हिरन है मारखोर कहाँ रखा हुआ है ये सामने आए जरा दिखाएं थोड़ा आपने फुल थोड़ा विजिट करवाना है अगर आप 10 मिनट हमारे व्यूअर्स के लिए भी लगा दें देखने वालों के लिए आप नेट पे आएंगे आप भी यूट्यूब पे ठीक होगी और वो ये स्पिंको पे कौन क्या हिरन है हिरन और वो ये नीलगाय नीलगाय जी वो जो सामने हाँ, वो बारहसिंगा बारहसिंगा अच्छा वो क्या सामने ये इसी का जोड़ा है जोड़ा है वो कलर में फर्क है हाँ, वो नर है ये मादा है सही और बारहसिंगा तो नहीं मारेगा जाओ आप जाओ बेटा ठीक दोनों मादा है ठीक है दोनों मादा है बारह सिंगा बोलते हैं इसको ये इसका आगे वाला नर है ये दोनों मादी है ठीक हो गया और वो जो पीछे साइड पे भी रखे हुए और ये घोड़े कौन कौन सी नस्ल के हैं घोड़े इंग्लिश है इंग्लिश है चारों ये चार मादा है एक नर है नर कौन सा वाला है पेड़ के नीचे जो है नहीं नहीं दूसरा नर ये मादा है ये सारी मादा है ये मादे जितने भी ठीक और ये इसका नर है बारह सिंगा ये भी भर लो ये नर है वो दो मादा है ठीक हो गया और इसके अलावा आगे भी पेटनी के घोड़ी है घोड़ी है ये पेटनी के पेटनी के 15-20 दिन का 15-20 दिन इसके आगे कुछ है या नहीं है नहीं नहीं 20 दिन की वो सबसे पीछे क्या रखा है जो सबसे पीछे पिंजरे बने हुए अस्तबल बने अस्तबल ठीक हो गया और वो पिंजरे जो लगे हुए हैं वहाँ पे ये तो वो परिंदे मोर बताएं उसका भी बताएं हमारे व्यूअर्स को और ये 12 सिंगे आपको दिखा रहा हूँ जो बच्चे दे रहे हैं ठीक उस्मान साहब ये फार्म हाउस बने हुए कितना टाइम हो गया इसको हो गया 35 साल हो गया 35 साल हो गए बने हुए ठीक और आपको यहाँ कितना टाइम हो गया मेरे को 18-20 साल हो रहा है माशाल्लाह से माशाल्लाह काफ़ी लंबा पीरियड है तो एक ज़िंदगी दे दिया आपने पूरी अपनी इसी काम में है या इसी फार्म हाउस में इसी फार्म हाउस में सब काम किया बंगलों का किया है माली का किया है ठीक घोड़ों का भी कर रहा हूँ अभी ठीक बस रोटी रोटी बनाऊंगी बच्चे सही कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए मेहनत से इंसान को मेहनत करना चाहिए चोरी चकारी से तो बेस्ट काम है और ये बताइएगा आप ये कितने गज की जगह पे बना हुआ है 15 एकड़ 15 एकड़ पे बना हुआ है ये 3 मादा है 2-1 पिंजरे के अंदर है ये क्या चीज़ है ये भी वो है 12 सिंगी मादा है 12 सिंगी मादी ठीक हो गया यहीं से ज़ूम कर लो ठीक हो गया इसके बाद इसमें क्या बच्चे बच्चे का बेल वो दिखा दिया मैंने भी दिखा ये बताइएगा ये क्या रखे हैं अमेरिकन काली वाली मिक्स है पाकिस्तानी अमेरिकन मिक्स सफ़ेद वाली पाकिस्तानी ये मोर है इस पे भी ये कोई नस्लें हैं बाहर की है बड़ा आगे वाला जिस पर लंबे हो नर है ये दोनों मादा है इसमें कलर में डिफरेंट क्यों है अलग अलग क्यों है ये ऐसा ही हो जाएगा जब वो है कलर चेंज हो जाएगा बच्चा है छोटा अच्छा बच्चा है छोटा ठीक हो गया
मुर्गी है। ये कौन सी मुर्गी है? गोल्डन मुर्गी है। गोल्डन मुर्गी। और ये ऊपर जो खड़ा हुआ है मुर्गा, ये ऊपर जो है गोल्डन मुर्गा है? ये भी गोल्डन है। ठीक हो गया। इसके बाद ये गोल्डन पिशोरी है। पिशोरी, ये भी मुर्गा। ठीक है, ये चाइनीज है। चाइनीज है, ठीक। और ये कबूतर कौन कौन सी नस्ल के हैं? कबूतर गोले हैं, शाबदार है, कलदमा। कलदमा, ठीक हो गया। ये क्या चीज़ है? ये पूंछ है। पूंछ, ठीक। और ये तो बंदर है, सबको पता है। ये भी कबूतर है, ठीक। इससे आगे नहीं है, इससे आगे फाइनल है। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह पिकनिक हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। देख सकते हैं आप, सोहेल शमसी फार्म हाउस है जहाँ हम आए थे। आप लोग भी ज़रूर आए यहाँ पे और विज़िट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपने। सर, कैसा आपको फील हो रहा है जा रहे हैं अभी आप? बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है, हम जा रहे हैं। ठीक है। और अंकल, आप बताएं अपना ज़रा, देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? मज़ा आया आपको? ज़बरदस्त हो गया सर। आप हमें दें सर, आप हमारे होते हुए। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे देखने वाले को? इतने प्यारे क्यों हैं आप? माँ के गाने के तरह